बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र। सलाम है प्रेमो कोहली को। एक हिंदू 25 करोड़ मुसलमानों के समाज के मुंह पर एक तमाचा है। वो आप देखें उस बेचारे ने, वो हिंदू कम्युनिटी के थे, उनकी इतनी तारीफ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर से आवाज नहीं निकली। हमारे नेशनल हीरोज तो ऐसे होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर हिंदू होना जुर्म है। कोई भी मुसलमान नहीं है तो वो खतर, उसको इंसान ही नहीं समझना भाई। जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक चीज तो साफ नजर आ रही है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। तो ये लम्हों की और वक्त की कदर करनी सीखिए, क्योंकि फिर ये जो लम्हे होते हैं ये दास्तानों में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर आपको वो लम्हे नजर नहीं आते, दास्तानें मिलती हैं, पीछे देखते हैं। तो हमें बहसियत कौम भी और अपनी सोच के हिसाब से भी थोड़ा सा जरा हटना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। क्या हम आज भी उसी किस्म की एक दरमियानी सी कैफियत के अंदर हैं? ये सवाल हमें पूछना चाहिए अपने आप से जरूर। देखिए, इस तखीर का मातम हम अपने प्रोग्रामों में तसलसल के साथ करते आए हैं, उनको शर्म दिलाने की भी कोशिश की है, गैरत दिलाने की भी कोशिश की है। एक तरफ ये देखता हूँ कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, हम कहाँ हैं इस गेम के अंदर। मुसलमानों ने तब तक तरक्की की है जब तक उन्होंने कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल किया है। देखिए, आज हम अपने कुरान और सुन्नत से हटे हुए हैं और वो लोग इसी कुरान से नॉलेज करके चांद तक पहुंच चुके हैं, और हमने क्या किया, हमने अपना कुरान ही छोड़ दिया ना, पढ़ना ही छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीगन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के सोशल मीडिया पर इस समय एक खबर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें कि पाकिस्तानी भीड़ ने और पाकिस्तानी पुलिस ने अपने ही मुल्ले मौलवियों के बहकावे में आकर के अपने ही धर्म के एक बंदे को मार दिया। और उसका कारण, जो कि पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा है, कि उसने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट की थी पाकिस्तानी सोच के बारे में। हालाँकि कई लोग यह भी बता रहे हैं कि उस सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो, या फिर जिसे पाकिस्तानी कहते हैं तौहीन मजहब। लेकिन बात हुई है कि पाकिस्तान में ऐसी बातें अक्सर होती ही रहती है, और हमेशा ऐसी घटनाओं के बाद पाकिस्तानी मीडिया में यह डिस्कशन करके छोड़ दिया जाता है कि यह गलत हुआ, उस बंदे ने कोई ऐसी बात नहीं की, फिर भी उसे मार दिया गया, और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है, जिसमें न तो किसी गुनाहगार को, न उस भीड़ को, न उस मारने वाले को कोई सज़ा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी मानते हैं कि उसने धर्म के नाम पे जो किया है अच्छा किया है। और कुछ समय बाद फिर से ऐसी दोबारा घटना होती है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं करता। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। सलाम है प्रेमो कोहली को। वो एक हिंदू जिसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज के जले हुए जसदे खाकी को अपने कंधों पर उठाया और घंटों दौड़ता फिरा उस जुनूनी हजूम से, जुनूनी मुसलमानों के हजूम से बचा सके, और फिर एक जगह एक गड़ा खोदकर डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को वहां पर दफनाया। प्रेमो कोहली, एक हिंदू 25 करोड़ मुसलमानों के समाज के मुंह पर एक तमाचा है, क्योंकि वो डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को बचा रहा था। हालांकि उसकी अपने धर्म में चिता को आग लगाई जाती है, लेकिन उसको इतनी समझ है कि इस मजहब में ऐसा करना मना है। लेकिन वो दर्जनों और सैकड़ों मुसलमान जो डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को कब्र से निकाल कर जला रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल पाकिस्तान की तारीख में तौहीन मजहब के नाम पर वो कत्ल है जिसने ये बताया है कि ये समाज जुनूनियत की किस इंतहा को पहुंच चुकी है। डॉक्टर शाहनवाज को तौहीन मजहब और तौहीन पैगंबर के नाम पर पुलिस ने मारा है। पहले ऐसा होता था कि तौहीन पैगंबर का जब इल्ज़ाम लगता था तो हजूम जमा होकर उस बंदे को चौक में निकाल कर या पुलिस से छीन कर मारा करता था, लेकिन अब ये वतीरा बन गया है कि पहले कोयटा में एक ऐसा वाकया होता है और फिर सिंध में डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस के हवाले किया जाता है कि जब उनके ऊपर एक मस्जिद का खतीब, मस्जिद का मौलवी, मस्जिद का मुल्ला इल्ज़ाम लगाता है कि डॉक्टर शाहनवाज ने सोशल मीडिया पर तौहीन पैगंबर की है। अब वो मस्जिद का मुल्ला, उसके पास इतना टाइम था और होता है कि वो बैठकर सोशल मीडिया देख रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि कौन से आदमी ने तौहीन मजहब की है,
हमेशा की तरह एक मौलवी वहां से उठता है और वो कहता है कि डॉक्टर शाहनवाज ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा है, और उसके बाद डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ लोग जमा होते हैं, सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं कि डॉक्टर शाहनवाज पर ये जो झूठा ब्लैस्फेमी का एलिगेशन है उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है और अब वो बच गए हैं। तो उनको पता ही चलता है कि पुलिस ने, डीआईजी ने डॉक्टर शाहनवाज को मार दिया है, एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है। लेकिन उस मौलवी तक को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका जिसकी वीडियो सामने आई, जिसने 50 लाख इनाम रखा था डॉक्टर शाहनवाज के सर पर कि इसने तौहीने रिसालत की है, तो इसको पकड़कर मार दिया जाए। सर एक चीज, सर सिर्फ एक चीज सर पॉजिटिव जो एक हिंदू कम्युनिटी के इंसान ने की, कि जो उसको मुसलमान को जलाए दे रहे थे सिंध में, वो आप देखें उस बेचारे ने, वो हिंदू कम्युनिटी के थे, उन्होंने उसको निकाला आग में से और दफनाने के लिए लेकर गए उस बॉडी को। इतनी तारीफ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर से आवाज नहीं निकली। हमारे नेशनल हीरोज तो ऐसे होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर हिंदू होना जुर्म है, कोई भी मुसलमान नहीं है तो वो खतर, उसको इंसान ही नहीं समझना भाई, किस तरह क्या कर रहे हो यार। यही पर तो मेरा सवाल है कि आज हमारे इस कंट्री को चलाने वाला कौन है भाई? एटॉमिक जो बम है उनके बटन किधर है आज, किसके पास है वो? यही सबसे बड़ा अलमिया है इस कंट्री का आज देखा जाए। मगर सर ये तो स्वात में ऑपरेशन का कहते रहते हैं, इनको पता नहीं वहां पे क्या हालात है। नहीं, वहां बम फटा उनके सामने, वो जो धमाका हुआ, कहा कहते हैं जी माइन फट गई है हमारा। भाई माइन को तुम क्यों नहीं देखा तुम लोगों ने यार, तो तुम्हें पता नहीं था 12 बैचलर जा रहे हैं? कौन इसका जिम्मेदार? किसी को निकाला है नौकरी से? कौन जिम्मेदार जाएगा वहां पे? कोई गोली मारो इन्वेस्टमेंट को, लोगों को जान का खतरा। मेरे जैसा बंदा, मैं तो पैदा वहां हूं, मैं जाने से 2 दफा घबराता हूं कि भाई पता नहीं कहां मेरा, कि मेरी कहां पकड़ के बंद कर। कहते पूरा बलूचिस्तान एक ऐसा चौकी मार है, और अब अदालतों की हालत देख लिया। कहते हैं इस्लामाबाद के 8 जज रिजाइन करने वाले, कल आपका एक जो चीफ जज है, जो आपका सीनियर मोस्ट जज है, वो आप मीटिंग से आज उठ के चला गया। वो आपने एक सुल्तान राय टाइप का रखा हुआ, मौला जज टाइप का आपका वो चीफ मिनिस्टर है सुबह सलाद का, वो रोजाना कहता है मैं तो बारात लेके आ रहा हूँ पंजाब में, उधर से वो कह रहे हैं तुम सिंध का दरिया क्रॉस करके दिखाओ, हम तुम्हारे गला उतार देंगे, काट देंगे। इन सर्कमस्टांसेस सब के अंदर मुझे बताओ तो सही, कौन इन्वेस्टमेंट आएगा टूरिज्म करने वहां पे? एक तरफ ये देखता हूं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, मोदी साहब ने आज कहां बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हां भैया हम लेट जरूर थे 5G में, हम लेट थे, लेकिन हम जब जिस साइड पे मूव कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी वहां डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन भी अपनी बना रहे हैं, यहां पे सारी कंपनियों की अमेरिका को आज चला ही भारती रहे हैं। हम कहां हैं इस गेम के अंदर?